यूपी में 1,80,00,000 लोगों को मिलेगा निशुल्क बैग, सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रीवास्ती में की घोषणा। देश में फिर एक बार 40,000 के पार पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा, पिछले 24 घंटे में 42,625 नए मामलों की होगी पुष्टि। अमित शाह से मिलने के बाद शरद पवार ने किया ट्वीट, दिल्ली में मुलाकात, महाराष्ट्र में खलबली। नीतीश कुमार ने कोरोना काल में 5 जिलों का किया दौरा, अनलॉक 5 से पहले स्थिति का लिया जायजा। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री के घर के बाहर आत्मघाती हमला, बम धमाके से दिल्ली राजधानी काबुल। टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले झारखंड खिलाड़ियों पर हुई पैसों की बरसात, हेमंत सरकार ने दर्जनों को दी नौकरी। मध्य प्रदेश में 7 जिलों के 200 गांव बाढ़ से घिरे, सेना मोर्चे पर अभी भी खतरे में 2000 जिंदगियां। चाइनीज वायरस ने चीन में मचाया कहर, नई लहर से 31 राज्यों में लोकल लॉकडाउन, बुहार में अफरा तफरी। कर्नाटक में बोम्बई मंत्रिमंडल में शामिल होंगे 26 नए मंत्री, आज शाम 5 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। मुख्यमंत्री गहलोत से कांग्रेसी नेताओं ने की मुलाकात, शिव कुमार विशेष विमान से मिलने जाएंगे जयपुर। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।